नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको स्पाइडर पोज यानी मकड़ी आसन को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों स्पाइडर पोज बच्चों के लिए, यंगस्टर के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। यह अभ्यास हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स, हमारे शोल्डर की मजबूती के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। इस अभ्यास को आप सुबह नियमित 5 से 10 मिनट और शाम के समय 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। आइए देखते हैं कि स्पाइडर पोज को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों स्पाइडर पोज को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डाल लेकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे लाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे अपने दोनों पंजों को ऐसे आपस में मिलाकर ऐसे सीधे देखना है। दोस्तों यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है। इस अभ्यास को बच्चों ने, यंगस्टर ने प्रैक्टिस जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर ऐसे अपने पंजों एड़ी हील को जमीन पर रखते हुए ऐसे अपने हाथों को बाहर निकाल लेते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इस अभ्यास को हम बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों स्पाइडर पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपने अपने ऐसे घुटनों को ऐसे घुटनों के बल ऐसे स्क्वायर पोजीशन पर ऐसे आते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से डालते हैं। फिर अपने हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास में आप ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यह स्पाइडर पोज एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे बच्चों ने, युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे आपस में, दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, दोनों पंजों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे लाते हैं। ऐसे अपने हील को भी ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे स्ट्रेट करते हुए अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे अपने ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस स्पाइडर पोज को प्रैक्टिस कीजिए। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। और फिर आपने ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकालते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस स्पाइडर पोज को आप 4 से 5 बार स्टार्टिंग में होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों स्पाइडर पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं, दोनों हाथों को पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह अभ्यास हमारी बॉडी स्ट्रेंथन के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। इसके बाद आपने अपने दोनों पंजों को ऐसे आपस में, दोनों पंजों को ऐसे आपस में मिलाते हैं, ऐसे दोनों पंजों को आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को भी ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे सीधे देखते हुए 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर ऐसे अपने हील को जमीन पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकालते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।